आर डी बर्मन यहाँ आए और गाना नहीं गाए? पंचम दा के नाम से मशहूर संगीतकार राहुल देव बर्मन का जन्म 27 जून 1939 को कोलकाता में हुआ था। राहुल देव बर्मन हिंदी सिनेमा के उन प्रतिभाशाली संगीतकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय और पश्चिमी संगीत को बेहतरीन मिश्रण किया और करीब 1.5 दशक के दौरान विभिन्न भाषाओं की 300 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया है। उन्होंने किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और लता मंगेशकर जैसे कलाकारों के साथ मिलकर दर्जनों हिट गीत दिए जिसे आज भी लोग पसंद करते हैं। उन्नीस सौ सत्तर के दशक में वह हिंदी सिनेमा के प्रमुख संगीतकार थे। इस दशक में उन्होंने कटी पतंग, आपकी कसम, दी ट्रेन, अमर प्रेम, हरे राम हरे कृष्णा, शोले जैसी दर्जनों फिल्मों में संगीत दिया है। महमूद की फिल्म छोटे नवाब बतौर संगीतकार उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन उन्हें असली पहचान तीसरी मंजिल और पड़ोसन से मिली है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली आर डी बर्मन के गानों में एक और जहां शास्त्रीय संगीत पर आधारित रैना भी थी जाए, मेरा कुछ सामान जैसे गाने हैं, तो वहीं महबूबा महबूबा, पिया तू अब तो आजा जैसे कैमरे पर फिल्माए गए गाने भी शामिल है। उनका 4 जनवरी 1994 को निधन हो गया। उनके निधन के बाद रिमिक्स गानों का दौर शुरू हुआ। दिलचस्प है कि रिमिक्स किए गए अधिकतर गाने आर डी बर्मन के ही स्वरबद्ध थे। आर डी बर्मन अपने वक्त से आगे के संगीतकार थे, आज के दौर में भी उनकी कमी हमेशा खलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।